रुक करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के खिलाफ याचिका, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने यह याचिका दाखिल की है। कमेटी को भंग करके नई कमेटी बनाने की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नाम सुझाए थे उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में राजनीतिक लोग, ये BKU लोक शक्ति का कहना है और उन्होंने याचिका दाखिल की है। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैंने इस बाबत एक याचिका दाखिल की है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो किसान कानूनों के संबंध में कमेटी गठित की थी 4 सदस्यों की, उन 4 सदस्यों में से एक सदस्य मान साहब ने अपनी स्थिति को देखते हुए, किसानों के कानून को देखते हुए, किसानों के खिलाफ जो कानून है उसको देखते हुए और जो किसानों की हालात है, किसान जिस तरह से आंदोलनरत है, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए किसानों के हित में, पंजाब के हित में अपनी इसमें जो सदस्यता थी, जो बनाया गया था, उन्हें नॉमिनेट किया गया था, उसको वापस ले लिया है। अब कमेटी में 3 सदस्य रह गए। 3 सदस्यों का हाल भी वही है। ऐसी स्थिति में हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये आशय की है, मांग की है कि बिना राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल ना हो, निष्पक्ष हो, बिल्कुल पूरी तरह से इम्पार्शल हो, न्यूट्रल हो, ऐसे सम्मानित व्यक्तियों को जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, ऐसे सम्मानित और व्यक्ति हो सकते हैं जो भारतीय किसान संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, जो आंदोलनरत है, बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे हैं, देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष हो सकते हैं, मृतकों के परिवार वालों में हो सकते हैं, जिससे उनके भी जो घाव बने हुए उन पर मरहम लग सके। इस तरह से ऐसी कमेटी बनाई जाए जो सच्चाई में समाधान मांग कर सके। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी साजिश की आशंका। ट्रैक्टर मार्च के लिए मॉडिफाई कराए जा रहे हैं ट्रैक्टर, ज्यादा लोगों को ले जाने के लिए बढ़ाई जा रही है ट्रैक्टर्स की हॉर्स पावर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, और इस वक्त किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रैक्टर्स की हॉर्स पावर बनाई जा रही है और साथ ही साथ ट्रैक्टर को टैंक में बदलने की साजिश रची जा रही है। यानी वो ट्रैक्टर जो किसान का साथी होता था, जो खेत में हल लगाता था, उसे राष्ट्र के सम्मान पर चोट करने के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप सबसे पहले हिंदुस्तान पर, किस तरह से इस ट्रैक्टर को टैंक में बदल गया है, बख्तरबंद गाड़ी में बदल दिया है। यानी पूरी कोशिश की जा रही है 26 जनवरी के पूरे आयोजन में खलल डालने की। और ये कैसे अन्नदाता हो सकता है जो कि राष्ट्र के सम्मान को, राष्ट्र के गौरव पर चोट मारने की सोचे। और आप ये देख सकते हैं, जब किसान नेताओं से बात होती है तो वो कहते हैं कि क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है, हम क्या 26 जनवरी देखने नहीं जा सकते। लेकिन यहां जब आप आते हैं, इन तस्वीरों को देखते हैं, तो उनकी बात की सारी पोल खुल जाती है। और ये 4 तस्वीरें दिख रही है और ये 4 तस्वीर बता रही है कि क्या किसान आंदोलन से जुड़े लोगों के दिल में चल रहा है। ट्रैक्टर परेड निकालने की जिद, चाहे राष्ट्र के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो। ट्रैक्टर पे स्टील के रॉड लगवाए हैं, ये टैंक में बदल दिया है ट्रैक्टर को। यानी किसान का साथी, यानी खेत का साथी कराने वाला ट्रैक्टर इस वक्त देश के सम्मान को चोट पहुंचाने की कवायद में लगा दिया गया है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप 10 तस्वीरें देख रहे। देखिए, टीयर गैस से बचने के लिए ट्रैक्टर में इंतजाम किए गए। 26 जनवरी को कृषि कानूनों के खिलाफ किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। और इस बीच किस तरीके से इसको मॉडिफाई किया जा रहा है, किस तरीके से ट्रैक्टर को लेकर ये तस्वीर सामने आ रही है, जो बता रही है कि गणतंत्र के लिए बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिल्कुल, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसानों ने ट्रैक्टर मॉडिफाई कर दिए हैं। ये ट्रैक्टर्स हैं जिनसे बैरिकेड को तोड़ा जाएगा, जिनसे आंसू गैस के गोलों से बचने की कोशिश की जाएगी। ओनर है ट्रैक्टर के, इस ट्रैक्टर के ओनर है, क्या कहना चाहेंगे अगर ट्रैक्टर की बात की जाए, क्या कुछ काम जो है वो ट्रैक्टर आता है और किस तरीके की भूमिका जो है वो एक किसान की जिंदगी में ट्रैक्टर निभाता है? साडा ट्रैक्टर है जेड़ा, ये तो एक जो साडे बच्चे वांग रखा होता है, बच्चों की तरह रखा जाता है। इसमें ये हमारे खेत के लिए भी, कोई भी इसको खेत पे, कोई रोड का काम करना हो, हर तरह का काम किया जा सकता है। इसको गाड़ियों की तरह भी आज के टाइम में यूज किया जा रहा है, ट्रॉलियों के टाइम पे जो अपना 26 जनवरी के लिए दिल्ली के लिए ट्रैक्टर तैयार किए जा रहे हैं उसमें भी यूज होता है। और उसके बाद इसमें मॉडल कई तरह के आते हैं, छोटे जैसे पहाड़ी इलाकों के लिए छोटा ट्रैक्टर यूज किया जाता है, उसकी हॉर्स पावर कम होती है, और बड़े बड़े जिम्मेदारों के लिए जिसमें बाद ज्यादा पैमाने पे खेती की जाती है, वहां पर बड़े ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं। अपने पास जिनके पास थोड़ी खेती है उनके लिए छोटे 2 सिलेंडर वाले। ये कौन सा ट्रैक्टर है, ये कौन सा सिलेंडर ट्रैक्टर? ये 2 सिलेंडर ट्रैक्टर है और HMT का ट्रैक्टर है ये 2511।
इसको तैयार किया जा रहा है, इसकी हॉर्स पावर, इसको पावर स्टेयरिंग के लिए इसको मॉडिफाई किया जा रहा है अलग तरह से अपने हिसाब से। और अगर बात की जाए किन किन फसलों के लिए ज्यादातर जो है वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और ट्रैक्टर लाभदायक किस तरीके से होता है, अलग अलग तरीकों से भी होता है, क्या सिर्फ खेती जो है वो ट्रैक्टर से की जाती है कि और काम भी जो है वो ट्रैक्टर से किया जाता है उसमें? ये हर चीज में यूज होता है, मेनली हमारा जो ये ट्रैक्टर है ये खेती के लिए यूज किया जाता है, और इसमें हर तरह की आलू की, कनक की, जीरी की, हर तरह की फसल की जाती है अपने यहाँ पंजाब में। इसमें छोटी फसलें हो जाती हैं, मक्की, बाजरा, ऑल ओवर जो भी सारी चीजें वो इसी से की जाती है, ठीक है। और ये जैसी जिसके पास खेती का काम है, जितनी सिंचाई का काम है, उसके हिसाब से ट्रैक्टर को लिया जाता है, छोटे को भी, बड़े को, हर तरह का। मैं आप मेरे साथ जरूर आइए, और मैं ये देखना चाहूंगा कि टायर इसमें थोड़े बड़े लग रहे हैं, मोटे लग रहे हैं, टायरों की क्या भूमिका रहती है और इसकी चासी की क्या भूमिका रहती है, इसको बनाया किस तरीके से गया है ताकि कितना लाभदायक हो? ये तो हमने मॉडिफिकेशन के कारण इसमें बड़े टायर डाल रखे हैं, वैसे इसमें 6/50/16, 7/50/16 के आते हैं, वो टायर अकॉर्डिंग टू हॉर्स पावर, वो हॉर्स पावर के हिसाब से लगाए। ये हमने एक मॉडिफाई कर रखा है, इसको 15 इंची व्हील डाल रखे हैं, 15 इंची के टायर डाल रखे हैं, और इसकी भूमिका है जो वो मेनली इसके चासी है, जो भी है इंजन है, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी खेती है, जितने पैमाने पर हमने काम लेना उसके हिसाब से लिया जाता है। तो ट्रैक्टर पैरेट निकालने की जिद में है किसान, और साथ ही साथ ट्रैक्टर को टैंक में बदल दिया है। आखिर और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को एनआईए का समन। एनआईए ने बलदेव को कल पूछताछ के लिए बुलाया है, खालिस्तानी कनेक्शन होने का शक, खालिस्तान कनेक्शन मामले में एनआईए करेगी पूछताछ, तो आंदोलनकारियों को सरकार के खिलाफ भड़काने का भी आरोप। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को एनआईए का समन, यानी ये जो तस्वीरें हैं जो कि किसान आंदोलन में नजर आ रही थी, तो ये साबित होता है कि खालिस्तानी कनेक्शन आंदोलन से जुड़ा हुआ है, चाहे आंदोलनकारी कितना भी इस बात से इनकार करे, लेकिन ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और ये किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को एनआईए ने समन किया। तो ये बड़ी खबर, एनआईए ने बलदेव को पूछताछ के लिए बुलाया है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है, 10वें दौर की बातचीत के बाद राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आ गया है। राकेश टिकैत ने कहा सरकार किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सरकार किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है, किसान अनिश्चित काल के लिए आंदोलन के लिए तैयार बैठा है। सरकार ने ये इच्छा जाहिर करी कि किसान और सरकार बैठ के ही इस मामले का समाधान निकाल लेगी, तो फिर अगली तारीख दे दी गई है। तारीख दे दी तो चलेंगे दोनों की सहमति से, फिर 19 तारीख को बैठ लेंगे। तो क्या लगता है कि अगली तारीख में कुछ हल निकल पाएगा या फिर ना निकले? नहीं, सरकार किस मूड में बैठेगी, तारीख पर तारीख दे सरकार ये बैठी किसे लंबा खेंचो, कितना चल सकता है ये? तो सरकार ये भी देखना चाहती है किसानों में दम है कि कितना आंदोलन। हाँ, हमने उन्हें बता दिया ये एक फसल का भी आंदोलन सरकार नहीं झेल पाएगी, अभी तो गेहूं का आंदोलन है, गेहूं तो बोक आए, अभी तो कटिंग होगी जाकर अप्रैल लास्ट और मई में, तो जब तक के लिए तैयार है किसान, उसके बाद में फिर आगे बढ़ा देंगे। तो जिस तरीके से तारीख देते हैं, फिर बातचीत करने का हल देते हैं, 18 को आप लोगों ने यहाँ पे कुश्ती का आयोजन करा है, 19 को फिर आपकी तारीख है, तो क्या लगता है कि मतलब सरकार बातचीत का हल निकालने को तैयार नहीं है और फिर भी कहती है कि हम किसानों की हर चीज के लिए? हाँ, अभी नहीं तैयारी है उनका, ये लगता है कि ये संशोधन पर मान जाएंगे, और हमें ये है कि ये बिल वापसी हो, तो अब देखते हैं आगे कहाँ तक चलते। सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बावजूद भी सरकार को ढंग से सही रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। नहीं, सरकार मान नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट की बात भी मान नहीं रही। जनवरी को लेकर आपकी क्या तैयारियां रहेंगी फिर? देखो, तैयारी तो बहुत बड़ी तैयारी है किसानों की, अभी उसका जगह देखेंगे कि जगह उसकी क्या रहेगी और उसको किस तरह से सारे किसानों को इकट्ठा करा जाएगा। तो क्या आपकी सिंधु बॉर्डर से बातचीत हो रही है? क्योंकि हाँ, सब कह रहे हैं कि हम लोग दिल्ली नहीं कूच करेंगे और आप कह रहे हैं हम लोग दिल्ली जाएंगे 26 जनवरी को लेकर। वे भी तो दिल्ली में बैठे, हम भी दिल्ली में बैठे, यहाँ भी तो दिल्ली है, वो तो जगह कहाँ रहेगी वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि चारों तरफ से ट्रैक्टर आ रहा है, उसकी जगह कहाँ रहेगी वो डिसाइड। तो किसान अनिश्चितकालीन धरने के लिए तैयार है, 26 जनवरी की व्यापक तैयारी है। रमन देखिए,
बिल्कुल, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। किसान आंदोलन की आड़ में बड़ी साजिश की आशंका है, तो ये किसान आंदोलन की आड़ लेकर साजिश की जा सकती है। ट्रैक्टर मार्च के लिए मॉडिफाई करवाए जा रहे हैं ट्रैक्टर, तो क्या जिन ट्रैक्टरों के आने की बात की जा रही है वो ये ट्रैक्टर हैं जिन्हें मॉडिफाई करके टैंक में बदलने की कोशिश की जा रही है, जिनको सरिया लगाकर लोहे की रॉड से लगाकर बख्तरबंद गाड़ी में बदल दिया गया है, जिनसे पूरे राष्ट्र की जो सम्मान है उस पर ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही उन ट्रैक्टरों की तस्वीर हैं जिन्हें मॉडिफाई किया गया है, जिनको लेकर ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं। अब अगर आपको शांति से अपना आंदोलन करना है तो फिर इस तरह के मॉडिफिकेशन की जरूरत क्या है इन ट्रैक्टरों में, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने खलल डाला राष्ट्र के सम्मान में तो आपको रोका जाएगा, और उसके लिए ये तैयारी और ये साजिश रची जा रही है। बिल्कुल रमन, देखिए कई चीजें यहाँ से स्पष्ट हो जाती है। एक और आपको याद होगा, किसानों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 26 जनवरी को जो परेड हम निकाल रहे हैं वो नहीं निकालेंगे। दूसरी तरफ तब तमाम ऐसे किसान नेता रहे जिन्होंने कहा कि हम परेड तो निकालेंगे लेकिन बॉर्डर पर ही निकालेंगे, इससे आगे लाल किले की तरफ या दिल्ली की तरफ इसका रुख नहीं करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो मॉडिफाई किए जा रहे हैं, जो साजिश की जा रही है, ये तो बताया जा रहा है इसके जरिए कि एक बड़ी साजिश है, एक बड़ी तैयारी है कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंदुस्तान की छवि खराब करने की। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है इसी मामले से जुड़ी, एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच सरकार किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत जो कल हुई बेनतीजा रही, 19 जनवरी को अगली बैठक होगी, ये बड़ी खबर। तो किसान नेता कृषि कानून वापस लेने पर अड़े, 10वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही, किसान नेताओं को मनाने में असफल रहे मंत्री और किसान नेता अपनी जिद पर अड़े रहे। सरकार से वार्ता करेंगे लेकिन बात नहीं सुनेंगे, 10 दौर की बातचीत नतीजा ढाक के तीन पार, एक और तारीख क्या निकलेगा कोई हल। देश के करोड़ों लोगों की नजर किसान आंदोलन पर है, हर कोई चाहता है कि गतिरोध टूटे और किसान अपने घर लौटे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। एक वार्ता के बाद दूसरी वार्ता और फिर तीसरी वार्ता, बार बार सिर्फ वार्ता ही होती है लेकिन हल नहीं निकलता, क्योंकि किसान नेताओं की हल निकालने की मंशा है ही नहीं। सरकार वो अपना कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, और हम बिना वापस लेके हम समझते किसान बच नहीं सकता। हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, कोविड का भी संकट है, और इसके कारण सरकार को निश्चित रूप से एक बात की चिंता है, और इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है। वार्ता के बाद किसान नेताओं ने कहा कि वार्ता सिर्फ समय की बर्बादी है, जबकि सरकार को अभी भी उम्मीद है कि गतिरोध खत्म होगा, लेकिन कैसे जब बेहिसाब फंडिंग से मौज कर रहे किसान नेताओं के मन में कुछ और है, जब आंदोलन वामपंथी सोच और कांग्रेस की सियासी चाल का घालमेल है, जब आंदोलन में सियासी रंग घुला हुआ है। इससे पहले 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था और तीनों कृषि कानूनों पर स्टे लगाकर वार्ता के लिए कमेटी का गठन किया, लेकिन किसान नेताओं ने कोर्ट की समिति को भी स्वीकार नहीं। कोर्ट के फैसले के बाद किसान नेताओं की सरकार से ये पहली वार्ता थी, लिहाजा सभी को उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता निकले, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा। हाँ, अगली तारीख जरूर देगी। अगली वार्ता 19 जनवरी को होगी, 26 जनवरी को किसान नेता ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध करेंगे। अगले दो दिन में ट्रैक्टर रैली का रूट और प्रदर्शन की रूपरेखा बनेगी। तारीखों में क्यों उलझी वार्ता? एमएसपी से ही शुरुआत होगी, 3 करोड़ से शुरुआत होगी, देखते हैं सरकार कहाँ तक जाएगी। प्रपट एमएसपी के मसले पे, उस एमएसपी के मसले पे ही तो जाना। कुछ नहीं खास बात नहीं हुई, वही बात अटकी हुई है, और 19 तारीख को 12 बजे द्वारा 19 तारीख को 12 बजे अगली मीटिंग। राकेश टिकैत तो कह चुके हैं कि आंदोलन 2024 तक चलेगा, यानी सियासी मंशा पाले किसान नेताओं के इरादे साफ नहीं है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी माना है कि तीनों कृषि कानून भारत में कृषि सुधारों को आगे बढ़ाने वाले हैं, नए कानून से बिचौलिये खत्म होंगे और किसानों और खरीदारों के सीधे रिश्ते बनेंगे, किसानों की उपज भी बढ़ेगी। अगर मन साफ हो और मुद्दा सही हो तो किसी भी विवाद का हल निकाला जा सकता है, लेकिन अगर मकसद सिर्फ हंगामा और सरकार को अस्थिर करना हो तो कुछ नहीं हो सकता। अब साफ हो चुका है कि पूरा आंदोलन राजनीतिक है।
फिर तो तारीख पर तारीख ही मिलती रहेगी। हल्की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट सीमा। हिंदुस्तान पर पल पल बदलती खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, लौट रहे हैं जल्द। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।